everyone, welcome back to my channel. This is me Shiny. Welcome back to yet another hashtag short review segment जहां मैं आप लोगों के साथ share करती हूँ एक particular product का review, वो भी सिर्फ 2 या 3 मिनट के अंदर to the point review होगा और काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है ये सारे वीडियोस आप सबके लिए. ये सारे वीडियोस बिल्कुल नॉन स्पॉन्सर्ड होते हैं. वेल, आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी मामा अर्थ उपटन फेस मास्क का रिव्यू. सो दिस इज द पैकेजिंग. इसे जब आप ओपन करोगे तो हियर कम्स द फेस मास्क. मैंने काफी हद तक इसे इस्तेमाल किया है. मैं शायद इसे 2 महीने से इस्तेमाल कर रही हूँ. डेली बेसिस पर मैं इसे इस्तेमाल नहीं करती. वीकली वंस या फिर 2 हफ्ते में एक बार मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ. बट डेफिनेटली आप चाहते हैं तो इसे वीकली वंस या वीकली ट्वाइस भी इस्तेमाल कर सकते हैं. बट सिंस मुझे काफी सारे प्रोडक्ट्स को ट्राई आउट करने होते हैं तो मेरा जो डेट है ना प्रोडक्ट्स को ट्राई करने का वो सिलेक्टेड है. तो इसीलिए मामाअर्थ का ये फेस मास्क मैं 2 महीने से इस्तेमाल कर रही हूँ. एंड इसका जो फ्रेग्रेंस है, फर्स्ट लेट मी टॉक अबाउट दैट. इसका ना एक स्ट्रॉन्ग सैंडलवुड और मुल्तानी मिट्टी मिक्स्ड एक फ्रेग्रेंस है विच आई लाइक. बट किसी को अगर स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस पसंद नहीं है तो आई थिंक इट माइट बॉदर यू. ये थोड़ा सा क्रीम बेस्ड है, जैसे क्रीम फेस मास्क होता है वैसा इसका कंसिस्टेंसी है. इजीली ड्राई आउट हो जाता है. लगभग 2 मिनट के अंदर ही ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा आपके स्किन पर. एंड आप अपने क्लीन फेस पर इसे अप्लाई करें. प्रेफरेबली स्क्रब के बाद अगर आप अप्लाई करोगे ना तो काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा. ये जो करता है ना आपके स्किन से जो भी इम्प्योरिटीज एंड ऑल है सबको क्लीन करता है. एंड इनफैक्ट मुझे ऐसा फील होता है कि ना ये पोर्स को भी क्लीन करता है. बिकॉज व्हेनेवर आई यूज दिस फेस मास्क मेरा फेस बहुत ही ज्यादा क्लीन लगता है एंड एकदम एक रिफ्रेशिंग सा फील होता है. ग्लो बिल्कुल भी ये नहीं प्रोवाइड करता, ऐसा ये क्लेम भी नहीं करता. बट डेफिनेटली ये स्किन को ना काफी क्लियर बनाता है. एंड ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस अगर आप इसे इस्तेमाल करोगे तो डेफिनेटली आपके स्किन से जो टैनिंग की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा. इसमें कोई हार्श हार्मफुल केमिकल्स नहीं है विच इज वाई आई थिंक ये थोड़ा स्लो वर्क करता है विच इज गुड. आई एम ओके विद दैट. सो इसका जो परचेजिंग लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है. मेक श्योर यू चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो दैट इज इट. आई थिंक अगर आपके स्किन पर टैनिंग की प्रॉब्लम है, स्किन काफी ज्यादा डल हो गई है, ग्लो नहीं प्रोवाइड करेगा ये, बट डेफिनेटली आपकी स्किन को क्लियर बनाता है, क्लीन करता है, रिफ्रेशिंग एक लुक ऐड करता है. सो अगर आपके इन सब प्रॉब्लम्स है और आप कुछ रिफ्रेशिंग सा अच्छा सा फेस मास्क ढूंढ रहे हैं दैट ऑल्सो इन अ बजट, देन आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस फेस मास्क. दिस इज रियली गुड. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू ऑल. इसी तरीके का वीडियोज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर and don't forget to subscribe. Thanks for watching. Bye.